आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करते हैं और आज अपन ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जस्ट सिमिलर टर्म को डिस्कस करते हैं जो बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है और बच्चों को मिलती नहीं है कहीं पे। सब इसके बारे में नॉलेज कहाँ से ले कैसे ले तो नवीन जोशी बताएगा तुम्हें। तो इसके सिमिलर टर्म है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे डिफरेंट और कैसे सेम है, वो दोनों चर्चा करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजीई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा बोलते हैं इसको। तो ये कैसे डिफरेंशिएट है ईए से, कैसे डिफरेंस रखता है, डिफरेंस रखता है ईए के साथ और कैसे सेम है ईए के साथ, वो दोनों चर्चा करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलो आ जाओ। तो पहला हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट। नो, ये अपनी नेक्स्ट वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा मैं इसको नेक्स्ट, इसको बोलूंगा नेक्स्ट हेडिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, शॉर्ट फॉर्म ई जी ई। हिंदी में बोलते इलेक्ट्रॉन लब्धि प्राप्ति ऊर्जा, लिख देते हिंदी में बच्चा कंफ्यूज ना हो। राइटिंग पे अच्छी नहीं, वही पढ़े इलेक्ट्रॉन लब्धि, लब्धि मतलब मिलना, प्राप्त होना। एंथैल्पी को एंथैल्पी या ऊर्जा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। तो सबसे पहले मैं ईए से यदि डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, इसकी डेफिनेशन देना चाहता हूँ मैं। सुनना ध्यान से और ऑब्जर्व करना कैसे अलग है भाई, ऑब्जर्व करना। मैं इसकी परिभाषा रखता हूँ तुम लोगों के सामने, क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ, आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, देन चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या चीज डिफरेंट है भाई, क्या डिफरेंट लग रहा है, क्या अलग लग रहा है, किससे? ईए से। यदि तेरे को ईए के डेफिनेशन याद है तो पीछे वाले लेक्चर में जाके देख, तेरे को फायदा मिलेगा। क्या है इसमें, क्या डिफरेंट है? देखो ये डिफरेंट है, चेंज इन एंथैल्पी। इसने क्या बोला? चेंज इन एंथैल्पी, जो चेंज आया एंथैल्पी पे, जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन हो सकता है एनर्जी रिलीज करके हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके हो, जबकि ईए फिक्स कर देता है रिलीज्ड एनर्जी। मतलब ईए केवल रिलीज्ड एनर्जी के लिए ही डिफाइन था, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कुछ नहीं होता उसके लिए उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये उन दोनों बातों के लिए डिफाइन होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यही पहला ड्रॉबैक था ईए का, यही उसका लिमिटेशन था। तो चाहे तो साथ साथ में इसके लिमिटेशन भी ऐड कर सकते हैं। ईए तो पहला लिमिटेशन क्या गया साहब? इट इज डिफाइंड ओनली ऑन या ओनली फॉर रिलीज एनर्जी, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर रिलीज एनर्जी। पढ़ना समझ में आ गया? क्योंकि एब्जॉर्ब में ये जीरो हो जाया करता था और जब कुछ चेंज नहीं है तब भी ये जीरो हो जाया करता था। तो दोनों को डिफरेंशिएट करें कैसे करें? ये दोनों गैस एब्जॉर्ब में और नथिंग में भी, तो कैसे डिफरेंशिएट करूं यार कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है क्या, कुछ चेंज नहीं आ रहा, कैसे डिफरेंशिएट करूं? दिक्कत थी यार, दिक्कत थी। तो नई टर्म डिफाइन करनी पड़ी यार। दूसरी बात, दूसरी बात, इसमें एक और चीज सर, एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है इसमें कैसे बताते लगे? तो वैल्यू है नहीं, साइन कन्वेंशन काम में लिया था। आप सबको पता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, दो टाइप की होती है, एक में एनर्जी रिलीज होती है जिसको एक्सोथर्मिक उसमें छेपी बोलते हैं, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, जिसका डेल्टा एच जो है हीट चेंज एंथैल्पी चेंज उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सुनना ध्यान से, साइन कैसे लिया जाता था इसका, साइन या इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करते थे वो सुनना। जब भी एनर्जी रिलीज हुई है, सुनना,
रिलीज एनर्जी। उस केस में ईजीई नेगेटिव साइन के साथ आती थी, ये नेगेटिव साइन। ईजी क्या होगी? नेगेटिव साइन के साथ आएगी। ईजी किस तरह से आएगी? नेगेटिव साइन। इस केस में ईजी क्या होगी? नेगेटिव होगा। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। या फिर ईजी बोल रहे, ईजी क्या होगा? नेगेटिव। तब भी रिलीज होगी, नेगेटिव साइन काम में आएगा। और जब भी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब एनर्जी, जब भी इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो, तो ईजी की वैल्यू जो है, ईजी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। मतलब उस हीट का जो एंथैल्पी था, रिएक्शन था, वो पॉजिटिव रहा होगा। मतलब उस केस में ईजी क्या रहा होगा? पॉजिटिव। और यही यही साइन कन्वेंशन, यही साइन लिखने का जो तरीका था, ये परिपाटी जो थी वो थर्मोडायनेमिक में काम आती है। जो थर्मो डायनेमिक, जो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके अंदर अपन सारे जो थर्मो चेंजेस देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये जनरली काम आता है। थर्मो केमिस्ट्री बोल दो, थर्मो केमिस्ट्री, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो यार जो ईए था उसमें ये जो स्टैंडर्ड जो माने गए थे वो फॉलो नहीं हुए। इसने केवल रिलीज एनर्जी को पॉजिटिव बोल दिया और एब्जॉर्ब में कुछ बोला ही नहीं। तो थर्मोडायनेमिक के जो लॉज हैं, साइन के लॉज हैं, उनको फॉलो नहीं किया। दूसरा ईए का लिमिटेशन था, ये डज नॉट फॉलो साइन। रूल्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको हटाया गया। जबकि इसने फॉलो किया, जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज के केस में क्या बोला जाएगा? नेगेटिव साइन लिया जाएगा, उसके आगे नेगेटिव साइन, और उसमें हीट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस आए हैं वो नेगेटिव होंगे। मतलब ईजी नेगेटिव एक तरह से। और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस केस में एनर्जी तो ईजी है वो पॉजिटिवली जाएगी। इसका मतलब जो भी चेंजेस आए एंथैल्पी के उस रिएक्शन के ड्यूरिंग, वो पॉजिटिव लिया जाएगी। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड चीज थी साइन की, और साइन कन्वेंशन को इस तरह से लिया गया। और इस बात को, इस दिक्कत को, इस मतलब जो दोनों दिक्कत थी, ये पहली और दूसरी जो दिक्कत थी, इसको ये नहीं दिक्कत दूर नहीं कर पाया, जबकि ईजी ने बहुत ही सिंपल से तरीके से। तो सर हम क्या माने, ईजी को माने, ईए को माने? देख भाई, धरती पे पहले ई आया था, इस धरती पे पहले ई आया था, ईजी उसके बाद में आया था। तो मार्केट में ईए जो है वो ट्रेंडिंग पे, वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। क्वेश्चन जब भी पूछा, ईए का पूछा जाएगा, चर्चा जब भी होगी ईए की ही होगी। ईजी ठीक है, सही चीज है, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रेंड में नहीं। आप बुक्स में देखो, ईजी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, ईए के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल जनरली ईए के हिसाब से मिलते हैं। तो सर अब डिफरेंस एक यहाँ पर आ गया, और सारा जो आपने जो फैक्टर अफेक्टिंग लिखे थे उसमें क्या डिफरेंस होगा? वो भी सेम रहेंगे क्या? तो फैक्टर अफेक्टिंग बिल्कुल सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। क्योंकि यदि ईए जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज एनर्जी जा रहा है, तो आप रिलीज एनर्जी को ईए के नेगेटिव टर्म में करो ना यार। जो भी मैग्नीट्यूड्स है, जो जो रिजल्टेंट वैल्यूज हैं, वो साइन के अदर, साइन के बिना चेक करें तो सेम ही रहेगी भाई। रिलीज एनर्जी के लिए चर्चा करें तो रिलीज एनर्जी के लिए जो जो मैग्नीट्यूड है, जो परिणाम है उसका, वो तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए वो दोनों चीजें सेम है। उनका मतलब अपन बात करें पीरियोडिसिटी की, तो जी जो ईए की पीरियोडिसिटी आई थी वही पीरियोडिसिटी ई जी ई की आएगी, और नेगेटिव साइन के साथ आएगी। मतलब रिलीज एनर्जी के और अपन मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से दोनों चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो और पीरियोडिसिटी वगैरह सारे वही है जो अपन ने सीखे थे, उस तरह के ही है, कुछ नई चीज नहीं। लेकिन नई चीज जो थी, जो डिफरेंस था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो कभी कंफ्यूज मत होना इस चीजों को लेके, और सिंपल सी चीज है। और यदि आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज यार सब तक पहुंचाएं। ठीक है, इस तरह से मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे एक दूसरे को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।